अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सरकार मदारुल आलमीन के आस्थाने पर, और अब जानेंगे यहाँ के बारे में थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनाब सैयद अबुल हसन साहब। अच्छा अबुल हसन भाई, ये जो पेड़ वगैरह है इसका क्या इस कहानी है इसकी, थोड़ी सी बताइए ज़रा। पेड़ है, हाँ, जब हुजूर सैयद बदीउद्दीन अहमद इंदा शाह मदार पाक को अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब हिंदुस्तान में भेजा था जी, जब ये पेड़ जब से ये कायम है। अच्छा, ये पेड़ जब से कायम है और हुजूर सैयद बदीउद्दीन अहमद इंदा शाह मदार सन 242 हिजरी में यहाँ पर आए थे। अच्छा, हाँ, सन 242 हिजरी में जब आए जी, जी, जब ये पेड़ बहुत छोटा सा था। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। उसके बाद में आपकी उम्र शरीफ 596 साल की। अच्छा अच्छा, अभी पेड़ के ताल्लुक से कुछ बताइए जरा, इसकी खासियत कुछ ऐसा। इसकी इस पेड़ की खासियत ये है, मेरे मदार का सबसे बड़ा ये करम इसके ऊपर है कि इस पत्ती की इस पकड़ियाँ जो निकलती हैं, हाँ, जो बांझन औरत होती है जी, जी, जिसके पास कोई भी औलाद नहीं होती है जी, तो इस पकड़ियों को लेकर सुखा कर कुछ औरतें पीस कर और फजलुल मदारुन कहकर उसको खा लेती आपके अकीदे से। अच्छा, तो अल्लाह तबरक तआला जो है हुजूर सैयद बदीउद्दीन अहमद इंदा शाह मदार पाक के सबके तुफान में अल्लाह तबरक तआला उसको औलाद वाला कर देता है। अच्छा अच्छा, इस पेड़ की ये खासियत है। और दूसरी पेड़ की खासियत ये है कि बहुत बरसे हो गए आका के जमाने का पेड़ है ये जी, जी। तो जब एक डाल इसकी सूखती है, जब गिरने के ऊपर होती है, तो दूसरी डाल इसमें आकर हिला लेती है अपने आप को। अच्छा, हाँ, और इसके हर पत्ते के ऊपर जिन और जिन्नातों का पहरा है। अच्छा, यहाँ पे हर पत्ते का ऊपर, और जो कभी किसी ने इसको या आज रात बिराज या पत्ते को तोड़ा जी, तो उसके जो है उसके असर जो है उनके ऊपर अलग पड़ते हैं। अच्छा, पेड़ की खासियत मेरा भाई। चलिए, तो तकरीबन कितने साल हो गए होंगे इस पेड़ को? कम से कम इसको पेड़ को कम से कम हो गए इसे 1000 बरस। 1000 बरस, हाँ। तो दोस्तों देखिए, 1000 पुराना पेड़ है ये, और आइए अब हजरत की बारगाह में चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे जानने के लिए आप लोगों के लिए। अब हम अंदर चल रहे हैं जी, बताएं। देखिए, पहले तो ये पेड़ की शाखें देखिए कहाँ तक हैं। ये सरकार का रोज़ा है सामने, और ये सरकार की रोज़े की चौखट तक ये जो है पेड़ चौखट तक आ रखा है। देखिए, तो हम लोग इसको माशाल्लाह। अच्छा, अगर छान डाले तो और बढ़ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो है भाई दिल्ली से जी भाई, ये मोहम्मद आरिफ जी, बादशाह ने गेट को बनवाया। अभी थोड़ा सा कर लेगा पहले, ये आलमगीर माशाल्लाह माशाल्लाह, बुजुर्ग लोग आते थे। अच्छा, ये आलमगीर दरवाजा है। हमारे पद्मदार की जो सवाल उम्र या हिस्ट्री है जी, सन 242 हिजरी में आप पैदा हुए जी, और 738 में आपका वफात यानी इंतकाल जी, 596 साल की आपकी उम्र है। 596 साल जी जी, उस 596 साल उम्र में आपने 14 साल की उम्र तक तो कुछ खाया पिया जो कुछ भी किया जी, बाद इसके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दस्ते मुबारक से जी 7 या 9 लोग में शीर ब्रंज यानी खीर आपको तनावर फरमाया यानी खिलाया जी हाथ से जी, और उसके बाद में फिर आपने 556 साल ना कुछ खाया ना कुछ पिया तो ना कोई पहन पहना। हजरत की हिंदुस्तान आने की तारीख क्या होगी? आप लगभग कितने साल हो गए होंगे हिंदुस्तान आए? लगभग यहाँ आपका क़याम रहा है इस वक्त 605वां शरीफ हुआ है। अच्छा, 605वां जी 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 जी, और इससे बिफोर आपकी जो हयात रही, क्योंकि लगभग समथिंग आप ये मान लीजिए कि 1200 से एवं हो गया ना, 596 प्लस इधर ये तो लगभग 1200 के समथिंग मान लीजिए आप जी जी, लॉन्ग लाइफ लगभग 1200 साल जी जी, लंबा ये रहा। तो इस्लाम की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो दूसरी सदी में हजरत यहाँ पे हिंदुस्तान में मौजूद जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने दीन मतीन की बड़ी। अच्छा, और ये इनकी क्या तारीख है? जैसे ये जो है सारे दरवाजे सारे बंद हो रखे हैं फिलहाल, ऐसा था कि यहाँ क्योंकि आप
थोड़ा सा आगे बुजुर्ग होने के नाते जी आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि आप बना रहे में जब आपको आपके चेहरे अकदस पर सात नकाबें पड़ी थी, चार नकाबें सात नकाबें पड़ी रहती थी, जो नकाबें पड़ी रहती थी उन नकाबों पे जब एक नकाब उड़ जाती थी तो खलके खुदा जो है वो अजमे आ जाती थी, लोग गिर जाते थे सिद्धि में, क्योंकि आप जमा तेज तरार बुजुर्ग थे। अच्छा अच्छा, इसलिए आपके चेहरे अनवर पर सात नकाबें हर वक्त 24 आवर्स पड़ी रहती हैं जी। इबादत इलाही में आपने तमाम यही समझिए कि 596 साल का जो इतना लंबा रोज़ा रखा उसमें ना तो कभी आपने कुछ मतलब खाया ना पिया और ना ही कोई पहन पहना, जो आप वहाँ पहन के आए बस उसी पे ही अपने आपने अख्ताम हो गया आपका पूरी लाइफ का जी जी। ये आपकी ज़िंदगी है और यूँ तो आपने तमाम कोई भी ऐसा फॉरन कंट्रीज में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा कि जहाँ आप तशरीफ़ ना ले गए हों, भ्रमण किया हो, गए ना हो जी। और उसमें आपने तमाम अपने चेले अपने अपने मुरीदीन खुल्फा खलीफा जिसको शिष्य कहते हैं तमाम हुए आपके 1442 खुल्फा मतलब हिंदुस्तान में हैं। अच्छा अच्छा जी, 1442 जी। हाँ, तो जो सबसे अव्वल खलीफा होंगे वो कहाँ पे होंगे? सरकारे अबू मोहम्मद अरबू रहमतुल्लाह। अच्छा, वही है, मदार मुकद्दस शरीफ है ये। ठीक है जी। और यहाँ पे हमें एक दरवाज़ा नज़र आया, उस पर जन्नती दरवाज़ा लिखा हुआ है। जी हाँ, उसको जन्नती ही दरवाज़ा इसके नाम से मंसूब है। तो उसकी क्या तारीख है? उसकी तारीख है कि वो क्योंकि उस साइड में वो जन्नती दरवाजे का क्योंकि अखलाफ वो बुजुर्ग बताते रहते हैं कि इसको आपके नाम से ही इसको ही पुकारा जाता है जन्नती दरवाज़ा है। इसकी कोई इससे वैसी नहीं है अदर्स में तो भाई हो तो वल्ला आलम भी सवाब हम तो उसमें कोई। अच्छा, अभी एक भाई मिले वो हमसे बोल रहे थे कि जब सरकार यहाँ पे इस जगह पे तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उस गेट से गुजरे और हमको जो चीज़ नहीं मालूम है हम। अच्छा, गलत बयानी नहीं। और सरकार ने ये फरमाया है कि जो है ना इस दरवाजे से जो निकल जाएगा उस पर जहन्नम हराम है, ऐसा कुछ? ऐसा है, देखिए ये नाम है, हम इस चीज़ को लाइक नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, वलियों के सुल्तान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। गौस कुतुब नुजबा नुक्बा सब वलियों के सुल्तान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। उम्र है इतनी लंबी, जिस्म पे नूरी एक लिबास है, ख्वाहिश नहीं है कोई, भूख है इनको और ना प्यास है। हैरत में है दुनिया वाले, ये कैसे इंसान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। हैरत में है दुनिया वाले, ये कैसे इंसान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। रूए मुनव्वर हो या वशम्स की ये तनवीर है, किरदार का हर पहलू दर से नबी की तस्वीर है। देखने वालों गौर से देखो, तफसीरे कुरान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। देखने वालों गौर से देखो, तफसीरे कुरान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। चिश्ती निजामी होया कादरी नूरी सोहरवर्दी, किसने दिया है इनको फैज़े रसूले शाहे अरबी, पूछ
कुछ कोई तुमसे कह देना, दोस्त बिल ऐलान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। कुछ कोई तुमसे कह देना, दोस्त बिल ऐलान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। माना के मुफलिस हूँ मैं, तन्हा हूँ बेकस बेदयार हूँ, इनके कर्म से लेकिन करता मैं दिल से एतवार हूँ। मुझको मिटा पाएगी न दुनिया, क्योंकि मेरी पहचान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। मुझको मिटा पाएगी न दुनिया, क्योंकि मेरी पहचान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। दौलत हुकूमत ताकत ऐवान शाही नहीं चाहिए, बेशक 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 बेशक। मुझको जमाने में मिसबाह कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी तमन्ना मेरी ख्वाहिश और मेरा अरमान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमन्ना मेरी ख्वाहिश और मेरा अरमान मदारुल आलमी है, मदारुल आलमी है। गौस कुतुब नुजबा नुकबा सब वलियों के सुल्तान मदारुल आलम अल-मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, निचली आवाज़ सुना रहे हैं आपको। हमारा नाम है सैयद अबुल हसन सुखन मिसबाही। अच्छा, सुखन मिसबाही। हम यहाँ पर झाड़ू पोछा हम ही करते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और फी सबीलिल्लाह, कोई हमारी उजरत भी नहीं यहाँ। बहुत 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 अच्छा। आप जो है ना, आपको सर फांसिल है भाई, यहाँ की हिम्मत का यार। आप किस्मत वाले हैं आप। बस सबके लिए दुआ करना, सबका भला सबकी खैर। जी भाई, बिल्कुल।